16 अक्टूबर को विधायक समीर कुनावार ने निशानपुरा वार्ड में मुख्य सड़क और नाले, स्मशान भूमि सौंदर्यीकरण और वैराग्य मूर्ति संत गाड़गे बाबा उड्डान पोल का निरीक्षण किया। संबंधित अधिकारियों को एक महीने में पोल का कार्य पूरा करने के आदेश, जनता की समस्या को सुना और विकास कार्य में गति लाने के आदेश संबंधित विभाग को दिए है। वर्तमान में हिंगनघाट शहर में बड़े पैमाने पर विकास और सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। इस कार्य की गुणवत्ता और कार्य की प्रगति के बारे में कार्य सम्राट विधायक समीर भाव कुनावार ने 16 अक्टूबर को निशानपुरा वार्ड में मुख्य सड़क और नाले का निरीक्षण किया। स्मशान भूमि के विकास कार्य और सौंदर्यीकरण का निरीक्षण करने के साथ वैराग्य मूर्ति संत गाड़गे बाबा उड्डान पुल का निरीक्षण किया और एक महीने के भीतर पुल का संपूर्ण काम पूरा करने का आदेश बांधकाम विभाग के अधिकारी धमाने पोफले इन्हें दिया। साथ ही बांधकाम विभाग को स्मशान भूमि की मुख्य सड़क को चौड़ा करने का काम जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने शहर के लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को जाना और उनकी समस्याओं को हल किया। अमृत योजना से संबंधित अधिकारियों के साथ लोक निर्माण विभाग के अधिकारी पोफले, धमाने, राजेश कुबड़े, ठेकेदार मोहम्मद शेख और चंदन खेड़े, वर्धा जिले के भाजपा महासचिव किशोर भाव दीगे, भाजपा युवा के प्रदेश सचिव अंकुश भाव ठाकुर, नगर सेवक चंद भाव वाणवे, कार्यकर्ता राजू भाव अंधारे, बालू वानखड़े, संदीप सुरकर आदि निरीक्षण करते समय साथ में थे। इनबीसीएन न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि एनोरकर की रिपोर्ट।